हेलो दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति राठौर और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पिनेकल परिवार में। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की सीरीज, जिसमें हम डेली 25 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में खेल परिदृश्य, जिसका आज पार्ट 3 है। इसके पहले हम पार्ट 2 बना चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में खेल परिदृश्य के 2 पार्ट हैं, जो कि प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी देख सकते हैं। आज ये पार्ट 3, जो कि मध्य प्रदेश की जेल पहरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मुश्ताक अली किस खेल से संबंधित है? मुश्ताक अली जो है वो कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, टेनिस से, हॉकी से या क्रिकेट से? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है क्रिकेट से। मुश्ताक अली जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में खेलकूद नीति किस वर्ष में अनुमोदित हुई थी? मध्य प्रदेश में खेलकूद नीति किस वर्ष में अनुमोदित हुई थी? 2001 में, 2004 में, 2005 में या 2006 में? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 2005 में। मध्य प्रदेश का पूछा है कि मध्य प्रदेश में खेल नीति कब अनुमोदित हुई थी, तो यह हुई थी 2005 में। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी कौन रहे हैं? इसमें बताना है कि मध्य प्रदेश के एक मशहूर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, कौन से हैं? सीके नायडू, नरेंद्र हिरवानी, मंसूर अली खान पटौदी या असलम शेर खान? मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी बताना है, तो आंसर है फ्रेंड्स इसका नरेंद्र हिरवानी, जो कि मध्य प्रदेश के हैं और मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऊषा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? यह स्टेडियम आपको नया नया लगेगा, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं होगा। तो ऊषा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? सागर में, रीवा में, भोपाल में या इंदौर में? फ्रेंड्स, इसका आंसर है इंदौर में। ऊषा राजे स्टेडियम जो है वो इंदौर में है। नेक्स्ट देखते हैं, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, कहाँ पर है? कैप्टन रूप सिंह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, कहाँ पर है? ग्वालियर में, भोपाल में, उज्जैन में या रीवा में? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि ग्वालियर में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है वो ग्वालियर में स्थित है। फ्रेंड्स, हमारे आंसर देने से पहले आप कोशिश करा कीजिए कि आंसर आप खुद ही दे पाओ। इससे यह होगा कि आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि पेपर में भी एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? रीवा में, उज्जैन में, भोपाल में या ग्वालियर में? फ्रेंड्स, इसका आंसर है ग्वालियर में, यह ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में स्थित है? इसमें से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है? ईडन गार्डन स्टेडियम, फिरोजशाह कोटला, ऊषा राजे स्टेडियम या ग्रीन पार्क स्टेडियम? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऊषा राजे स्टेडियम। इसका आंसर हमने अभी एक बार और देखा था कि ऊषा राजे जो स्टेडियम है, ऊषा राजे स्टेडियम जो है वो इंदौर में स्थित है। बाकी सारे जो है वो इंदौर से एमपी से बाहर है। ईडन गार्डन, फिरोजशाह कोटला, ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये सारे एमपी से बाहर है। जो एमपी का स्टेडियम वो है ऊषा राजे स्टेडियम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण खिलाड़ी मध्य प्रदेश से नहीं था या नहीं है? ऐसे कौन सा खिलाड़ी है इनमें से जो मध्य प्रदेश में का नहीं है? असलम शेर खान, नरेंद्र हिरवानी, सरोजनी आप्टे या कीर्ति आजाद? तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन जो है वो एमपी पुलिस का है। इसका आंसर आएगा कीर्ति आजाद, जो है वो मध्य प्रदेश से की खिलाड़ी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम निम्न में से कहाँ पर स्थित है? अब बताना है कि मध्य प्रदेश में एक इंडोर स्टेडियम जो सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश का, वो कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है इंदौर में। ये स्टेडियम कहाँ पर है? इंदौर में। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस व्यक्ति को हॉकी खेल में अगस्त 2012 को जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया गया है? यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनको हॉकी खेल में अगस्त 2012 में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया है? असलम शेर खान, रमेश कुमार
शकील अहमद कुरैशी या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है शकील अहमद कुरैशी, जो कि हॉकी के खिलाड़ी है और उनको 2012 में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाने वाला राज्य पुरस्कार कौन सा है? मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाता है प्रदेश के खिलाड़ियों को, ये राज्य पुरस्कार बताना है कि कौन सा है जो हमारे राज्य में ही दिया जाता है। अर्जुन द्रोणाचार्य, राजीव गांधी या विश्वामित्र पुरस्कार? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है विश्वामित्र पुरस्कार, जो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य के रूप में खेला है? इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच यानी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य के रूप में खेला है, जो मध्य प्रदेश का है? नरेंद्र हिरवानी, नीलेश मलिक, अशोक पटेल या अमित मिश्रा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है नरेंद्र हिरवानी, जो कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का सदस्य रहकर अंतर्राष्ट्रीय खेल में खेले हुए हैं। इनका नाम है नरेंद्र हिरवानी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का ख्यातिनाम एथलीट पान सिंह तोमर किस खेल में 7 बार राष्ट्रीय विजेता थे? जो पान सिंह तोमर है बहुत ही नामी खिलाड़ी हैं, नामी एथलीट हैं, वो किस खेल में 7 बार राष्ट्रीय विजेता रहे हैं? 200 मीटर की दौड़ में, गोला फेंक में, स्टिपल चेंज में या मुक्केबाजी में? तो फ्रेंड्स इनका आंसर है स्टिपल चेंज में। नेक्स्ट देखते हैं, मधु यादव का संबंध किस खेल से है? मधु यादव जो हैं वो खिलाड़ी हैं, तो उनका संबंध किस खेल से है ये बताना है, क्रिकेट से, टेबल टेनिस से, हॉकी से या कुश्ती से? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स हॉकी से, मधु यादव का संबंध जो है वो हॉकी से है। अब नेक्स्ट देखते हैं, होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? होलकर क्रिकेट स्टेडियम जो है मध्य प्रदेश में है, कहाँ पर स्थित है? इंदौर में, ग्वालियर में, भोपाल में या रीवा में? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है इंदौर में, होलकर क्रिकेट स्टेडियम जो है वो इंदौर में, और ऐसे होलकर जैसे नाम आए वो सारे इंदौर के ही होते हैं, क्योंकि होलकर राजवंश जो था वो इंदौर का ही था, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि होलकर जो है वो इंदौर से ही संबंधित होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश ने कौन से वर्ष में नेशनल फुटबॉल लीग की मेजबानी की थी? नेशनल फुटबॉल यानी कि राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल लीग की मेजबानी मध्य प्रदेश ने कौन से वर्ष में की थी? 2013, 2012, 2014, 2015? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 2013 में मध्य प्रदेश ने नेशनल फुटबॉल लीग की मेजबानी की थी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के एक पदाधिकारी हैं? कौन से जो है वो भारत के पूर्व क्रिकेटर है और मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के पूर्व के पदाधिकारी हैं? संजय जगदाले, राहुल द्रविड़, ज्योतिरादित्य सिंधिया या गिरधारी लाल यादव? तो इसमें देखना है ये पहले भारतीय क्रिकेट में कौन थे और मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के एक पदाधिकारी हैं, तो क्रिकेट में कौन थे इनमें से? तो इनका आंसर है संजय जगदाले, जो कि मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के पदाधिकारी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का वह शूटर कौन है जिसने 2014 के एशियाई खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है? मध्य प्रदेश के शूटर का नाम बताना है जिन्होंने 2014 में एशियाई खेल हुए थे उनमें भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के हैं, मनीषा कीर, हर्षिता तोमर, वर्षा वर्मन या सीता साहू? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है वर्षा वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का ये क्रिकेटर विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय था? मध्य प्रदेश का ये क्रिकेटर है जो कि विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय बना था, यानी उन्होंने विदेश में जाके टेस्ट में शतक लगाया था और जो कि पहला भारतीय बना था, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का ही है, सैयद मुश्ताक अली, सीके नायडू, विजय मर्चेंट या नरेंद्र हिरवानी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सैयद मुश्ताक अली। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय बैडमिंटन क्रिकेट और एशियन जूनियर चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक विजेता जो धार में पैदा हुए हैं कौन है? इसमें पूछा है कि जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और एशियन जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी उन्होंने जीता है और धार में हुए हैं, अब उनको हमें गेस करना है कि कौन है? रूप सिंह, असीम शेर खान, आदित्य जोशी या अहमद खान? तो उसका आंसर है फ्रेंड्स
आदित्य जोशी जो कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और एशियन जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं जो कि धार में पैदा हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी और जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इनमें बताना है कि भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान भी थी और मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। तो बहुत ही आंसर इसका आपको पता होगा, इजी है। तो इसका आंसर है संध्या अग्रवाल। ये बहुत बार पूछा भी गया है और हमने एक बार और डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकेडमी कहाँ पर है। मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकेडमी कहाँ पर स्थित है, इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में या उमरिया में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है भोपाल में। मार्शल आर्ट की जो एकेडमी है वो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब थे, इनका नाम क्या है। मंसूर अली खान, मोहम्मद अब्दुल अली, वाजिद अली या जहांगीर मोहम्मद खान। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है मंसूर अली खान। नेक्स्ट है एथेंस में आयोजित स्पेशल ओलंपिक 2011 में 200 और 1600 मीटर की दौड़ में मध्य प्रदेश के कौन से कांस्य पदक विजेता है। जो एथेंस में आयोजित हुआ था ओलंपिक उसमें 2011 में 200 और 1600 मीटर की दौड़ में मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सीता साहू। नेक्स्ट देखते हैं तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर और भोपाल में, ग्वालियर और इंदौर में, इंदौर और भोपाल में, जबलपुर और भोपाल में। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट में देना है। आंसर से जुड़ी जानकारी भी कमेंट में दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।